सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपको सिक्योर्ड बॉन्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक डेट सिक्योरिटी होती है। डेट का मतलब उधार, जो कंपनीज या गवर्नमेंट वगैरह इसको इशू करती है ताकि वो डेट इकट्ठा कर ले लोगों से। और ये ना एक पेपर और सर्टिफिकेट की फॉर्म में होता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी जो इशू कर रही है उसकी स्टैंप लगी होती है और साथ में वैल्यू लिखी होती है कि ये बॉन्ड इतनी वैल्यू रखता है। फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड 1000 रुपये का, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये 1000 रुपये का और स्टैंप लगी होगी। और जो बॉन्ड इशू कर रहा होता है उसको बॉन्ड इशूअर बोलते हैं, और जो बॉन्ड रखता है, जो खरीदता है, जो अपने पास रख लेता है उसको बॉन्ड होल्डर बोलते हैं। अभी बात आ जाती है कि लोग इसको क्यों खरीदते हैं। अभी लोगों को क्या फ़ायदा है? लोग इसलिए खरीदते हैं ताकि कंपनी या गवर्नमेंट जो भी इशू करती है वो बोलती है जितने का आप ये बॉन्ड खरीद रहे हैं हम 5 साल बाद या 10 साल बाद जो भी उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड है उतनी देर बाद हम इसकी साथ में आपको पेमेंट भी करेंगे, इतने पैसे भी देंगे और इतनी देर तक आपको साथ साथ इंटरेस्ट भी देते रहेंगे, एनुअली, सेमी एनुअली, मंथली, वो जो भी एग्रीमेंट हो गया है, साथ साथ आपको इजाफी मुनाफा भी देते रहेंगे। अभी बात आ जाती है कि सिक्योर्ड बॉन्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड क्या होता है। सिक्योर्ड बॉन्ड नाम से ही पता चल रहा है, जो सिक्योर होता है, लाइक अगर कंपनी बंद हो जाती है या कोई भी मसला हो जाता है तो वो बॉन्ड के पैसे आपके ज़ाया नहीं जाते, वो आपको मिल जाते हैं। वो कैसे? कि आपके पास ना एक लीगल राइट होता है, आप लीगली क्लेम कर सकते हैं उस कंपनी के ऊपर या जिसने भी वो इशू किया है, वो बॉन्ड जिसने इशू किया उसके ऊपर आप लीगली सू कर सकते हैं, लीगली कार्रवाई कर सकते हैं, लीगली क्लेम कर सकते हैं। फिर वो अपने एसेट वगैरह उस, या तो अगर उसके पास पैसे नहीं, वो कंपनी के फिर कुछ एसेट आपको दे दिए जाते हैं जितनी आपकी बॉन्ड वर्थ रखते हैं, वो आप फिर उन एसेट को बेच के अपने बॉन्ड की कीमत का, कीमत जितनी भी उसकी बनती है, जितनी भी उसकी वैल्यू बनती है, उतने पैसे आप ले लेते हैं। आप इसमें आपके पास लीगल राइट होता है। जैसे बैंक मॉर्गेज रख लेता है, लाइक सिक्योरिटीज अपने पास रख लेता है, कोई भी उधार देता है दूसरों को तो उसके पास मॉर्गेज होते हैं, जैसे घर के गिरवी कह लें, घर के कागजात होते हैं। अगर कोई जो लोन लेके गया, पैसे उधार में लेके गया, वो पैसे ना दे पाए तो बैंक क्या करता है, उसकी जो गिरवी रखे हुए कागज़ हैं वो उसकी प्रॉपर्टी बेच के अपने पैसे पूरे कर लेता है। इसी तरह अगर कोई कंपनी या गवर्नमेंट या कोई भी जो इशू कर रहा है वो बॉन्ड के पैसे नहीं दे पा रहा, उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो सिक्योर्ड बॉन्ड में उसका हक होता है, जिसने जिसके पास जो बॉन्ड होल्डर होता है वो अपने पैसे पूरे कर सकता है उसकी कोई एसेट वगैरह बेच के, उसके पास हक होता है। अनसिक्योर्ड बॉन्ड क्या होता है? जो सिक्योर नहीं होता, नाम से पता चल रहा है, पर इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना जो इशू कर रहा होता है उसके ऊपर फुल यकीन किया जाता है, उसकी बात के ऊपर यकीन किया जाता है, वो प्रॉमिस करता है शेयर होल्डर, जो बॉन्ड होल्डर के साथ, के मैं आपको पैसे दूंगा अगर कोई मसला हुआ, अगर मैं, मेरी कंपनी बंद हुई या कोई भी मेरे साथ मसला हुआ तो मैं आपको पैसे दूंगा। उसके इस प्रॉमिस के ऊपर जो बॉन्ड होल्डर है वो यकीन कर लेता है और बॉन्ड को खरीद लेता है। पर इसके अंदर एक शर्त होती है, अगर वो ना दे तो उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। अनसिक्योर्ड बॉन्ड में जिसके पास जो बॉन्ड होल्डर है वो उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है। बाकी वो उसकी मर्जी है, जिसने इशू किया हुआ है वो, अगर उसने प्रॉमिस किया, अगर वो अच्छा बंदा है तो वो उसके पैसे दे देता है अगर कोई मसला बनता है। तो ये इन दोनों का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।